आइए जानते हैं बॉलीवुड के उन 8 डायरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने अपनी ही फिल्म में की एक्टिंग। नंबर 10, रेमो डिसूजा। डायरेक्टर के तौर पर रेमो डिसूजा की पहली फिल्म ABCD को ऑडियंस ने काफी सराहा था। उसके बाद उन्होंने ABCD 2 बनाई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेमो द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा कैमियो किया हुआ है। जी हाँ, अगर आप इस फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक सीन में वरुण धवन के साथ साथ रेमो भी देखने को मिल जाएंगे। और इस फिल्म के तीनों पार्ट सिर्फ और सिर्फ डांस पर बेस्ड है, क्योंकि रेमो खुद एक बहुत अच्छे डांसर कोरियोग्राफर है। और इस फिल्म में जितनी भी कास्ट है वो सभी के सभी डांसर है जिन्होंने बहुत ही अच्छी डांस परफॉर्मेंस इस फिल्म में की हुई है। नंबर 9, मधुर भंडारकर। बॉलीवुड में मधुर भंडारकर की फिल्मों का एक अलग ही क्रेज नजर आता है। इस डायरेक्टर की ये खासियत है कि वो मौजूदा सब्जेक्ट्स पर बहुत ही खूबसूरती के साथ मूवीज बना देते हैं। इसी के चलते मधुर भंडारकर की फिल्म लोगों को बहुत दिल के साथ देखना पसंद है। अगर आप इस बेहतरीन डायरेक्टर की मूवीज को देखने के शौकीन है ना, तो फिर इनकी चांदनी बार से लेकर फैशन तक धमाकेदार मूवीज को OTT प्लेटफॉर्म पर बिंच वॉच कर सकते हैं। अगर फैशन मूवी की बात करें तो इसमें मधुर भंडारकर अपने छोटे से कैमियो रोल में नजर आए हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ बनाई गई इस फिल्म में मधुर भंडारकर ने फैशन इंडस्ट्री के अंदर की लाइफ को दिखाया है कि किस तरह से एक मॉडल फैशन इंडस्ट्री में काम करती है। नंबर 8, सिद्धार्थ आनंद। इन दिनों एक फिल्म काफी चर्चा में रही है और वो रही है पठान, शाहरुख खान की पठान। जी हाँ, लेकिन इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के बारे में शायद ही आप जानते हो। सिद्धार्थ आनंद ने अपने करियर की शुरुआत काजोल की फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी से असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने मुझसे दोस्ती करोगी, हम तुम जैसी फिल्मों में भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। बतौर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की डेब्यू फिल्म का नाम सलाम नमस्ते है, जिसमें सैफ अली खान और प्रीति जिंटा मेन लीड रोल में नजर आए थे और ये फिल्म हिट रही थी। इस मूवी ने उन्हें हिंदी सिनेमा के बेस्ट डायरेक्टर्स की लिस्ट में पहुंचा दिया। बॉक्स ऑफिस पर हिट रही फिल्म सलाम नमस्ते ने कुल 26 करोड़ रुपए की कमाई की थी। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म सलाम नमस्ते साल 2005 की तीसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म रही थी। और इस मूवी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिद्धार्थ आनंद ने भी अपनी डेब्यू फिल्म में एक छोटा सा कैमियो किया हुआ था। नंबर 7, सुभाष घई। इस डायरेक्टर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी ही खुद की मूवी में छोटे छोटे कैमियो करने का ट्रेंड शुरू किया था। हालांकि उन्होंने सिर्फ 2 या 3 फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया था, लेकिन सुभाष घई बचपन से एक एक्टर बनना चाहते थे। फिर किस्मत ने उन्हें एक शानदार डायरेक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। राज कपूर के बाद उन्हें इंडस्ट्री का दूसरा शोमैन कहा जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष घई ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक एक्टर के तौर पर की थी। साल 1989 में आई फिल्म राम लखन में उन्होंने अपना छोटा सा कैमियो किया हुआ था, जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा। उस समय राम लखन भी ब्लॉकबस्टर हुई थी, जिसकी वजह से सुभाष घई का इंडियन सिनेमा में डंका बजने लगा था। नंबर 6, प्रकाश झा। फिल्म गंगाजल, राजनीति और सत्याग्रह जैसी सुपरहिट फिल्मों का डायरेक्शन करने वाले डायरेक्टर प्रकाश झा को आजकल कौन नहीं जानता। पर क्या आप जानते हैं कि प्रकाश झा की जिंदगी हमेशा इतनी खुशहाल नहीं थी। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने बीते दिनों में प्रकाश झा ने बहुत स्ट्रगल किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डॉक्यूमेंट्री अंडर द ब्लू से की थी, लेकिन उनके काम को सराहना तब मिली जब उन्होंने बिहार के दंगों के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई। हालांकि रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही ये फिल्म बैन हो गई थी, पर बाद में इस फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया गया था। साल 1976 में आई फिल्म से हिंदी सिनेमा में बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया और अपनी कुछ फिल्मों में तो डायरेक्शन के साथ साथ एक छोटा सा कैमियो भी किया। अगर आपने फिल्म सत्याग्रह देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि उस फिल्म में प्रकाश झा खुद एक कैमियो करते हुए नजर आए थे। याद है ना वो चाय की दुकान वाला सीन। जी हाँ। नंबर 5, फरहा खान। फराह खान इंडियन सिनेमा की एक जानी मानी डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है। इसके अलावा उन्होंने कई सारी फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस भी शूटिंग की हुई है, लेकिन फराह खान को ज्यादातर उनकी दमदार कोरियोग्राफी के लिए जाना जाता है। उन्होंने लगभग 125 से ज्यादा सॉन्ग्स के लिए कोरियोग्राफी की है और फराह खान की फैमिली बहुत पहले से ही इंडियन सिनेमा जगत से जुड़ी हुई है। बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही है, इसका नाम था मैं हूं ना, और इस फिल्म में उन्होंने बतौर एक्टर शाहरुख खान को लिया था। और इस फिल्म के बाद फराह और शाहरुख खान ने ओम शांति में भी एक साथ काम किया, और मानना पड़ेगा कि सिर्फ शुरुआती दिनों में ही बम्पर कमाई के रिकॉर्ड बना डाले थे इनकी फिल्म ने। और सबसे दिलचस्प बात थी कि मैं हूं ना फिल्म में फराह खान का कैमियो रोल भी था, जो उन्होंने शूटिंग के दौरान किया था।
नंबर 4 यश चोपड़ा। इंडियन सिनेमा की शुरुआत साल 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा हुई थी और इसके बाद धीरे धीरे इंडिया में दूसरी लैंग्वेज में भी फिल्में बनने लगी थी। लेकिन बॉलीवुड में हिंदी फिल्में बहुत तेजी से बनने लगी थी और इस इंडस्ट्री को बने 100 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है और इन बीते दिनों में न जाने कितने ही स्टार्स ने अपनी छाप छोड़ी है और उन्हीं में से एक थे यश चोपड़ा, जिन्होंने इंडियन सिनेमा में रोमांस के तरीके को इस तरह से बदल दिया कि पूरी फैमिली उस रोमांटिक फिल्म को आराम से देख सकती है। अब आपको बता दें कि यश चोपड़ा ने अपने द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म में यानी कि दिल तो पागल है में छोटा सा कैमियो किया हुआ है। अपने समय में ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और इसके गाने तो क्या ही कहें, आज भी सुन लो तो दिल खुश हो जाता है। अगर आप इस फिल्म के सॉन्ग एक दूजे के वास्ते को आपने देखा होगा तो आपको डायरेक्टर यश चोपड़ा अपनी वाइफ के साथ में नजर आ जाएंगे। नंबर 3 करण जौहर। फिल्म मेकर करण जौहर अपनी फिल्मों से हर किसी को इमोशनल कर देते हैं। ये डायरेक्टर के साथ साथ स्क्रीन राइटर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं। और आपको बता दें कि करण इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, उन्हें किसी और के इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। करण जौहर का जन्म 25 मई 1972 को मुंबई में हुआ था। वो प्रोड्यूसर यश जौहर के बेटे हैं और शुरुआती दिनों में करण ने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा था मगर वो कुछ कमाल नहीं दिखा पाए थे, जिसके बाद उन्होंने वापस डायरेक्शन करना ही बेहतर समझा और करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत DDLG से की थी और उन्होंने इस फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इस फिल्म के बाद ही करण ने डायरेक्शन करने का फैसला किया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि करण जौहर ने अपनी फिल्म कभी अलविदा ना कहना के क्लाइमेक्स में एक छोटा सा कैमियो रोल प्ले किया था, जिसमें वो एक ट्रेन पैसेंजर के रोल में दिखाई दिए थे। नंबर 2 अयान मुखर्जी। अयान मुखर्जी ने मेहनत और काबिलियत के दम पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। उन्होंने अपने करियर में उंगलियों की गिनती भर फिल्में नहीं की हैं, लेकिन वो उन डायरेक्टर्स में शुमार हैं जिन्होंने बहुत ही कम एज में स्टारडम हासिल कर लिया। उन्होंने बहुत कम एज में डायरेक्शन में कदम रखा और अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। आपको बता दें कि अयान मुखर्जी ने फिल्म स्वदेश में बतौर असिस्टेंट रहकर काम किया था और ये फिल्म साल 2004 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेता शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे और इसके बाद अयान मुखर्जी ने करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा ना कहना में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया और बाद में इन्होंने अपनी फिल्म का डायरेक्शन करने का फैसला किया। आप सभी ने ये जवानी है दीवानी फिल्म तो जरूर देखी होगी और आपको अयान मुखर्जी का चेहरा याद नहीं होगा, मैं जानता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं, यही वो फिल्म है जिसके सॉन्ग बदतमीज दिल में आपको अयान का कैमियो देखने को मिलेगा। नंबर 1 प्रभु देवा। इंडिया के माइकल जैक्सन प्रभु देवा को ही माना जाता है। प्रभु देवा को कई तरह के डांस फॉर्म आते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के डांस कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रभु देवा के इंडियन सिनेमा में मॉडर्न डांस के लिए उन्हें महारत हासिल है। प्रभु देवा ने अपने करियर की शुरुआत में ही अपना नाम बना लिया था और उन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी काम किया। प्रभु देवा 1998 में एक तमिल फिल्म में अपने करियर की शुरुआत करते हैं और अपनी ज्यादातर मूवीज में कैमियो रोल भी किया हुआ। अगर आपने वॉन्टेड, रमैया वस्तवैया, आर राजकुमार और एक्शन जैक्शन जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज देखी होंगी तो आपको उसमें प्रभु देवा को भी कैमियो रोल में जरूर आपने देखा होगा। वैसे दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और हाँ, किस डायरेक्टर की एक्टिंग आपको वाकई में एक्टर से भी ज्यादा अच्छी लगी ये भी बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।